हेलो चिल्ड्रन, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक दैट इज तुषार ट्रेन जर्मनी। डिस्कस मैंने किया आपको, मैंने आपका हेडिंग डिस्कस किया, हाउ डज वी नो अबाउट देयर पीपल डिस्कस किया, तो आपका किस प्रकार इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे, स्टोन्स टूल्स किस प्रकार बनाए जाते हैं, उसका दो मेथड मैंने बताया था। एक आपका मैंने बताया था स्टोन मेड स्टोन टूल्स, और सेकंड जो हेडिंग मैंने बताया था वो आपको बोला था प्रेशर फ्लैकिंग। ये दो टॉपिक, दो मेथड के द्वारा स्टोन्स टूल बनाए जाते थे बड़े अच्छे अच्छे। लेट अस कंटिन्यू, आगे बढ़ाते हैं उसी चैप्टर्स को, और नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डिस्कस करते हैं फाइंडिंग अबाउट फायर, आग के बारे में कैसे जानकारी मिली। तो आपको पता होना चाहिए कुर्नूल जो केव्स है, कुर्नूल केव्स में आर्कोलॉजिस्टों ने सर्च किया, वहाँ खनन किया आर्कोलॉजिस्टों ने, और वहाँ कुछ एसेस पाए, एसेस बोलते ना धोए हुए वो राख वाख, उस एसेस के मिलने से इनको ये यकीन हो गया कि जो उतने पुराने समय के लोग हैं ये कहीं ना कहीं फायर का यूज़ करते थे। फायर के यूज़ के द्वारा ये अच्छा खासा अपने मीट वगैरह को पकाते थे और खाते थे, तो ये फायर का यूज़ करना जानते थे, ऐसा कुर्नूल माउंटेन के प्रूफ से मिला है। क्लियर। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हेडिंग छोटे छोटे हेडिंग है, बहुत छोटे छोटे हेडिंग है। चेंजिंग एनवायरनमेंट क्या है, उस समय लगभग 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले क्लाइमेट में चेंज देखा गया। क्लाइमेट बहुत बड़ा चेंज देखा गया, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बढ़ते चले गए वैसे वैसे उन्होंने अपने एरियाज को भी डेवलप किया और अच्छे खासे इन्वायरमेंट उससे इफेक्ट किया। क्लियर। इन्वायरमेंट जरूर इफेक्ट हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट के इफेक्ट होने बावजूद ग्रासलैंड का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल लैंड है। इंडिया कैसा है, ट्रॉपिकल है, तो ये ग्रासलैंड यहाँ बहुत ज़्यादा आया, और ग्रास जब अधिक ज़्यादा होने लगे तो आपको पता होना चाहिए जब ग्रास अधिक हो जाएगा तो उसको खाने वाले एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो गोट हुआ आपका, गोट हुआ, कैटल हुआ, डियर हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगे। इन पे कहीं ना कहीं जो पर्सन है, ह्यूमन है, मनुष्य है, वो इस पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो गया। जब वो इस पे डिपेंड हो गया तो धीरे धीरे वो उसको अपना हर्डेड करने लगा, यानी उसे अपना पालतू बनाने लगा, और पालतू बनाकर उन्हीं के द्वारा प्राय मिल्क को एट्सेट्रा को वो कलेक्ट करके अच्छा खासा मार्केट में ले जाता और उसका ट्रेडिंग करता। तो इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ है अच्छा खासा, और इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से इंसानों में एक अलग ही सोच डेवलप हुई। क्लियर। ये एनिमल्स को हर्डेड करने लगे, फिशिंग करने लगे, उनका यूज़ करने लगे, ये समझने लगे कौन सा एनिमल हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है, किसे हमें रखना है, किसे नहीं रखना, किस एनिमल्स का हम किस रूप में यूज़ करते हैं, ये सब जानकारी उनको प्राप्त होने लगी। क्लियर। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। आपको पता होना चाहिए पहले किस समय लोग, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको बताऊंगा कि उस समय के लोग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनका जो लैंग्वेज है उसे अननोन लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी बातों को, अपनी सारी चीज़ों को वो पेंटिंग के द्वारा एक्सप्रेस करते थे, ऐसे केव्स पे, वॉल्स पे ऐसे चित्र बनाते थे, और चित्र बना के वो अपनी भाषा में पता नहीं क्या लिखते थे। आज तक बहुत कम ऐसे आर्कोलॉजिस्ट हुए हैं जो समझ पाए हैं वो लिखना क्या चाहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 4,500 साल पहले अगर 100% लिखा हुआ कोई चीज मिला हो तो उसमें मात्र अभी तक 30% पढ़ा जा सकता है, और 70% अभी तक नहीं पढ़ा जा पाया कि वो लिखना क्या चाहते थे। उनका जो लैंग्वेज था वो पिक्चराइजेशन था, चित्रात्मक लिख था, यानी चित्र को देखकर समझिए वो कहना क्या चाहते थे। क्लियर। तो ये रॉक्स पे जो वो पेंटिंग करते थे, इसी पेंटिंग से, इसी पिक्चर के द्वारा बताया जाता था कि किस प्रकार और कैसे वो क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार का काम करना चाहते हैं, वो किस पे डिपेंड थे, किस प्रकार ट्रेडिंग करते थे, क्या अनाज पैदा करते थे, ये मैक्सिमम वो उसी पेंटिंग के द्वारा पता चलता है। क्लियर। आगे जो है हु डिड व्हाट, कौन क्या। क्लियर। तो उस समय क्या आपके लोग पता ही है, उन्हें ना कोई लैंग्वेज का नॉलेज तो था नहीं, ना ABCD पता, ना काका गागा पता, लेकिन उन्होंने इतना तो जरूर जान लिया था कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो शायद वो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी लाइफ सिक्योर होगी। क्लियर। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को सेटल करने लगे, उन
प्लेसेस को ढूंढने लगे जो अच्छा खासा फर्टाइल लैंड हो, क्योंकि वो जानते थे वो ग्रेन्स पे डिपेंड है और ग्रेन्स वही होगा जहाँ का लैंड फर्टाइल होगा। ये नॉलेज उनको हो गया। एनिमल्स कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, ये नॉलेज उनको हो गया। इस तरह का तमाम नॉलेज उनके पास हुआ और इसी नॉलेज के बल पे आपको पता होना चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिला जैसा डेवलपमेंट आज की गवर्नमेंट ही नहीं जानती होगी। क्लियर। आज देखिए इंडियन गवर्नमेंट पोर्ट पे ज़्यादा फोकस करती है, पोर्ट बंदरगाहों पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि वो जानती है जब फॉरेन कोई आता है फॉरेनर तो वो पोर्ट पे आता है, उसके सामान सारे पोर्ट पे आएंगे और पोर्ट पे सामान एक जगह से दूसरी जगह ऐसे आते जाते हैं। आज के समय गवर्नमेंट ने इतना पैसा पोर्ट पे खर्च किया, सोचिए लगभग 4,500-5,000 साल पहले गुजरात में लोथल नामक स्थान पर एक पोर्ट एक बंदरगाह हुआ करता था। वो इंसान जिन्हें कोई नॉलेज नहीं, जिन्हें कुछ नहीं पता, कम से कम इतना नॉलेज तो उन्हें था कि बाहर से अगर कोई फॉरेनर आएगा ट्रेड करने तो उन्हें कहीं रेस्ट देना चाहिए, इसलिए लोथल में अच्छा खासा उन्होंने एक पोर्ट डेवलप किया। इतना ही नहीं, इतने अच्छे ड्रेन्स बनाए थे, ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था, जो मकान वगैरह थे इतने सिस्टमेटिक ढंग से बनाए थे। ये सब कुछ 4,500 साल पहले हुआ था जो आज की गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्लियर। तो ये हु डिड व्हाट में यही सब बताया गया है कि इंसान इतने स्किल और नॉलेजबल थे कि उन्होंने अपनी सोच को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया, इतना ज़्यादा वो थिंकिंग किए कि वो जान गए कि कैसे उनकी लाइफ को और आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर। जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक आपका कंक्लूजन है सिंपल, लुक वाला टॉपिक होता है लास्ट वाला, तो वो कंक्लूजन है सिंपल, वही पुरातन चीज़ों को बताई गई है जो पीछे मैंने आपके टॉपिक में बताया। तो आज इसी हेडिंग हु डिड व्हाट के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। बीच में आपके एक बुक में एक बहुत बड़ा पैरा बनाया है, उसमें नेथोलिक और पैथोलिक के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, तो आप उसे सिंपली पढ़ लीजिए। वो पाषाण काल के बारे में बाहर थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इग्नोर भी कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो एग्जाम के व्यू से नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ के उसे समझ भी सकते हैं। आज आपका चैप्टर नंबर 2 यानी ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। क्लियर। चैप्टर फिनिश हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उससे पहले आपके लिए होमवर्क है, जो बुक का एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और जो एक्सरसाइज होते हैं छोटे छोटे, इसको आप अपने घर पे कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा, उसे आपको करना होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ, और उसके नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।